आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाले हूँ, जो स्टूडेंट नया एडमिशन लेना चाहते हैं वो ABCID कैसे बनाएंगे 2024 में, क्या प्रोसेस है, आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आपने ले लिया है और अभी तक ABCID नहीं बनाया है तो कैसे आपको बनाना होगा 2024 में, क्या प्रोसेस है, ये सारा आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि ABCID की रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर पहले मिलेगी। चलिए स्टार्ट कर, आपको प्ले स्टोर पे आ जाना और आपको सर्च कर देना है डिजीलॉकर। डिजीलॉकर ऐप गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन जब करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस यहां पर आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना। अभी यहां पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिजीलॉकर पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आपको क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आएगा, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है आधार कार्ड पे वो आपको पूरा नाम डालना है। यहाँ पर आपको डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, एक मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर 6 डिजिट का आपको एमपिन डालना है। दोस्तों डिजीलॉकर पे अकाउंट बनाने से पहले आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी वेरीफाई हो पाएगा आपका अकाउंट और तभी आप ABCID बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालने के बाद, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जब आप सबमिट करेंगे तो इस मोबाइल पर आपके OTP जाएगा। OTP डाल के आप यहाँ पर एक यूजर नेम बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यूजर नेम बना लेना है उसका। दोस्तों यहाँ पर आप आधार से वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से और लॉगिन हो जाएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना डिजीलॉकर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको साइन इन करना होगा, तो साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जब पहली बार यहाँ पर अपना डिजीलॉकर पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको आधार वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है, आधार यूजर नेम वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और 6 डिजिट का जो एमपिन बना है वो आपको डालना है, उसके बाद साइन इन करना है, तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। चलिए लॉगिन होते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका वेलकम, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा और आपकी फोटो जो आधार कार्ड पे वो आपको दिख जाएगी। अब ABCID बनाने के लिए आपको सर्च का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक, यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ABC। ABC लिखते ही यहाँ पर आ जाएगा ABCID का दिल्ली, आपको इस ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, डिजीलॉकर अकाउंट से यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका जेंडर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको नया एडमिशन वाले स्टूडेंट, जो नया एडमिशन, जो नया ABCID बनाना चाहते हैं 2024 में, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एडमिशन ईयर आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 2024 आपको सिलेक्ट करना, क्योंकि आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं और नया ABCID अगर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मिला होगा, फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है, अगर आपको मिला है तो यह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास कुछ भी नहीं है तो आप न्यू एडमिशन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है 12 अंक का। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलेज को नाम को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कॉलेज का नाम अपना स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, इस पर लिख के स्टेट वाइज आप सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली का या उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी आ जाती है स्टेट वाइज अगर सर्च करेंगे तो। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की, जो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं ऑप्शन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम नहीं शो हो रहा है तो आपका ओल्ड वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम अगर शो हो रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट, चलिए हम कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको गेट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर ही क्लिक करना है। चलिए हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लिया, अब गेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये प्रोसेसिंग में जाएगा और आपको यहाँ पर फेचिंग होगा आपका ABCID कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCID कार्ड हमारा फेचिंग हो रहा है, किस प्रकार से आपका भी फेचिंग होगा। आपको वेट कर लेना है, आपको बैक करना है ना आपको कुछ करना है, तो आपको वेट करना है। ये यहाँ पर ABCID हमारा फेच हो गया, ये नीचे आ गया। चलिए स्क्रॉल करते हैं, सकते हैं यहाँ पर ABCID फेचिंग होने यहाँ पर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको बैक आ जाना है। चलिए हम बैक आ जाते हैं, बैक आ जाना। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इशू का, आपको इस ऑप्शन पे एक बार दोबारा से आ जाना है। अब दोबारा आने
देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ABCID कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, 3 बिंदु आ गई है। आपको इसी बिंदु पर क्लिक करना है और यहाँ पर ABCID कार्ड को आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप PDF यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो उसको डिलीट भी करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ABCID अगर आप बनाना तो सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको सही डालना है, बार बार आपको अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आपको PDF ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने वाला इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर PDF में आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ABCID कार्ड क्रिएट हो गया और डाउनलोड भी यहाँ पर देख गया। तो आपको डाउनलोड करना अपने फ़ोन में, तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है एरो का डाउनलोड का, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों ये डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन में। तो आपको यहाँ पर ये ABCID बनने के बाद दोस्तों आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको ये जमा कर देनी है। और दोस्तों आपको जो भी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं या एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो ABCID 12 अंक का नंबर आपको मिल जाता है। ये नंबर आप अपने एग्जाम फॉर्म में या एडमिशन ईयर फॉर्म में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ABCID बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय।